English, you speak English? English? Where are you from? I am from Pakistan. आप सबको पता है कि एक पाकिस्तानी भाई काफी दिनों से बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, वो व्लॉगिंग करते हैं और वो बांग्लादेश की पॉजिटिव साइड हमें दिखाते हैं। तो आज वो बांग्लादेश के अंदर किसी एक जगह पे वो घूमने गए हैं जहाँ पे बांग्लादेश आर्मी ने उनको रोका और उनको इजाजत नहीं दी, एक्सेस नहीं दिया गया कि आगे जाए। उन्होंने ये कहा कि भाई मेरा दोस्त वहाँ पे रहता है और उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप अंदर आके घूम फिर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि बांग्लादेश आर्मी इनके साथ कैसे ट्रीट करती है और उनको क्या रिस्पेक्ट देती है या नहीं देती, इनके साथ क्या होता है। आज काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग है तो पहले ब्लॉग को देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तानी बंदा अगर बांग्लादेश विजिट करता है तो उनको क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और उनको क्या क्या चीजें देखने को पड़ सकती है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं। या व्हाट एंड रॉन्ग फ्रॉम कॉक्सेस बाजार इन बांग्लादेश। इस टाइम जनाब बज रहे हैं सुबह के 7:20 एंड वेलकम बैक। हमारा स्टेज है कॉक्सेस बाजार में, वो ख़त्म हो चुका है और हम अब जा रहे हैं यहाँ से इंशाल्लाह। आज हम जाएंगे यहाँ से टूवर्ड बंदरबान, एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे आमतौर पे आजकल के हालात में वहाँ पे जो है एंट्री विदाउट परमिट सुना है कि नहीं है, लेकिन वी विल गिव इट अ ट्राई। हम वहाँ पे जाएंगे और अगर हमें वहाँ पे एंट्री मिल जाती है तो फिर हम वहाँ पे जाएंगे और वो देखेंगे। काफ़ी खूबसूरत इलाका है, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स रहते हैं तो शायद हो सकता है कि हम उनको वहाँ पे देख सकें या उनसे मिल सकें और उसके बाद फिर हम वहाँ से जाएंगे टूवर्ड्स रंगामाटी, जो कि काफ़ी खूबसूरत इलाका है वहाँ पर। और सुना है वहाँ पे एक दो बड़ी बड़ी वहाँ पे लेक्स हैं, मैन मेड लेक्स हैं जो कि बहुत बड़ी हैं और काफ़ी खूबसूरत एरिया है, तो वहाँ पर हम चलेंगे। तो हमारा यहाँ से कोक्सी बाज़ार से टूवर्ड्स बंदरबान तकरीबन 120 किलोमीटर है और फिर बंदरबान से आगे जो है रंगामाटी वो तकरीबन 80 किलोमीटर। तो इन टोटल हमारा आज सफ़र होगा 210 किलोमीटर का, नॉट दैट लॉन्ग। सो वी विल ट्राई टू सी बोथ बंदरबान एंड रंगामाटी। अगर हमें बंदरबान में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर हम चले जाएंगे ओनली टू रंगामाटी एंड स्टे देयर टुनाइट। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच। ये चीज़ है कि जहाँ जब लोगों को लगता है पता है कि मैं पाकिस्तान से हूँ तो वो रुक के जो है ना बड़ा प्यार देते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है ना पाकिस्तान जो है पाकिस्तान या बांग्लादेशी हम भाई भाई हैं। सुभान अल्लाह सखर अल्लाह ना हाजा व मा कुन्ना लहु मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। लें जी, हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गया है एंड होपफुली वी विल इट विल बी सेफ जर्नी इंशाल्लाह। तो नाश्ता हम यहाँ से नहीं कर सके, नाश्ता हम कोशिश करें कि हम जो है ना बंदरबान पहुँच कर, तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता है तो 8, 8:30, 9 बजे करीब हम वहाँ पहुँचेंगे इंशाल्लाह। तो नाश्ता फिर हम वहाँ पे कर लेंगे। बंदरबान का एरिया सुना है कि वो है तो काफ़ी बड़ा, हम उसको कुछ घंटों में तो एक्सप्लोर नहीं कर सकेंगे। वहाँ पर दो मशहूर पहाड़ियाँ हैं, हिली एरिया है वैसे वो, तो वहाँ पे दो मशहूर पहाड़ियाँ हैं। सुना है कि वहाँ उन पहाड़ियों में और उन पहाड़ी इलाके में वहाँ पे जाना वो ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं और वो ट्राइब्स जो हैं थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे वो अकेले रहते हैं दूर दराज इलाकों में, तो इसलिए जो है ना वहाँ पर जाने के लिए आपको स्पेशल परमिट लेनी पड़ती है। तो अभी हम चल के वहाँ पे, क्योंकि कल जब हम इधर गए थे टूवर्ड्स टेकनाफ, जब हम जा रहे थे रास्ते में तो वहाँ पे हमें रोहंगिया कैंप के बाहर एक लड़का मिला था जो कि वहीं से था, उसी बंदरबान के इलाके से था। तो उसने मुझे कहा कि नहीं, वहाँ पे आपको किसी किस्म के परमिट की ज़रूरत नहीं है और उसका कोई है जानने वाला जो कि पुलिस में है, उसका कज़न, तो उसने कहा कि वो आके आपको हेल्प करेगा अगर पॉसिबल हुआ तो। अच्छा, वैसे यहाँ से जहाँ पर हम कल
नहीं पहुंच सके थे तेकनाफ में, वहाँ से जाती हैं फेरीज़ या बोट्स, फेरीज तो खैर नहीं अलबत् बोट्स वहाँ से जाती हैं, जो इनके एक बहुत ही फेमस आइलैंड है सेंट मार्टिन्स। तो वो वहाँ पे टूरिस्ट सीज़न वहाँ पे शुरू होता है जनाब कोई नवंबर से, अक्टूबर, मिड अक्टूबर से नवंबर से, उस टाइम कहते हैं कि सी जो है वो काम हो जाता है, तो वहाँ पे डेंजरस नहीं होता। आजकल भी वहाँ पे टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं है, बीजीपी जो बांग्लादेश गार्ड, जो बांग्लादेश बॉर्डर बॉर्डर गार्ड की जो है फोर्सेस, वो टूरिस्ट को वहाँ पर नहीं जाने देते, इसलिए हमारी वो जो है वो वाला हमारा काम नहीं हो सका। यार हम पंदरपान वाली रोड पे आए हैं यहाँ पे, तो उसके बाद आगे पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, रोड तो मज़ा आ गया। सामने आप व्यू चेक करें बादलों का, और उसके पीछे जो है वो पहाड़ियाँ, लुकिंग ब्यूटीफुल। बस अब दुआ ये करें भैया तो कुछ नहीं, अब जो दुआ ये करें कि बीजीबी जो है वो हमें आगे जाने दे। वाह, हवा में खुशबू बहुत मज़े की है, इन दरख्तों के जो मेरे आसपास दरख्त हैं उन दरख्तों से जो खुशबू आ रही है हवा में, वाह। यहाँ पे मैं देखता हुआ आ रहा हूँ रोड के ऊपर एक साइन आता है हिंदू टेंपल का, एक साइन आता है मुस्लिम मस्जिद का, और कभी कभार जो है ना साइन आता है इसका बुद्धिस्ट टेंपल का। तो यानी सारे जो हैं वो आपस में कितने कितने जो है ना हम आहंगी से आपस में रह रहे हैं, वो कितने आपस में जो है वो पीसफुली वो रह रहे हैं आपस में। अस्सलाम वालेकुम सर, इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। He's from Bandarban. Bandarban. Yeah. Can I call him? Yeah, sure. Raisa checkpost. Bandarban. Raisa checkpost. Raisa checkpost. Raisa checkpost. Yes. They are asking for permission. Government permission. Are you coming here? Oh, our husband is on that. He's here. Come, Daraya. What is he जी? करोगे? हाँ वापस करूँगा। वापस करूँगा और क्या। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि सुनने में यही आया था कि है, लेकिन वो क्योंकि जो कल हमें एक दोस्त मिला था भाई रास्ते में, तो वो यहाँ का नेटिव है, यहाँ का लोकल है, उसने कहा नहीं आप वहाँ पे जा सकते हैं बगैर किसी एडिशनल, अगर आपके पास पासपोर्ट वीज़ा है तो। लेकिन उसको भी अपेरेंटली पता नहीं था। और अभी आप ये मुझे कह रहे हैं मिलिट्री वाले कि जहाँ पे हम उसके बाद जाना चाहते हैं रांगामाटी,
वहाँ पर भी आपको परमिशन चाहिए, उसके वहाँ पर भी आप बगैर परमिशन के नहीं जा सकते। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये हिली एरियाज़ हैं, यहाँ पे ये जो है बंदरबान हो गया, रंगामाटी और एक और इनका है हिली एरिया, तो और उसके उन उसके उस तरफ जो है वो म्यांमार का बॉर्डर है। सो आई गेस के यहाँ पे इन हिली एरियाज़ में कोई फेंस जो है, कोई बॉर्डर फेंस वो नहीं होगी, इसलिए वो जो है ना फॉरेनर्स को कंट्रोल्ड अंदर भेजते हैं कि आपको यहाँ पर टूरिस्ट एक टूर गाइड लेना पड़ेगा, उसकी परमिशन आपको पहले अप्लाई करनी पड़ेगी। परमिशन तो उसकी मिल जाती है विद इन 3-4 आवर्स 5 आवर्स, लेकिन उसके लिए आपको पूरा अपना होटल का शेड्यूल, अपना टूर प्लान, टूर गाइड साथ में होगा, ताकि वो आपको जो है ना कंट्रोल्ड हर जगह पर लेके जाएगा। तो इन तीन जगहों पर ऐसा ही है। यहाँ पे हम कहीं पे नाश्ता कर सकते हैं, कोई ऐसी जगह है नाश्ता करने वाली? What do we get here for the breakfast? There are some fruits. ये एक छोटा सा बाजार है रास्ते में, तो मैं इधर अंदर घुस आया हूँ। एक ही है समथिंग, इसके पास यहाँ पराठे से पड़े हुए हैं। वालेकुम सलाम यार, नाश्ता कहाँ पे करूँ? हाँ अरे ये कौन है भला? आदिवासी क्या मतलब? आदिवासी का मतलब पहाड़ी, ऐसे ऐसे पहाड़ को करता था, पहाड़ अपना 100 इयर्स ओल्ड एगो, हाँ बाद 500 इयर्स ओल्ड एगो মানে এই প্লেস মে এরাই থাকতো। হুম হুম এখন এরা পরম্পরা এদের ট্র্যাডিশন এটাই। তো उनको उससे पहले मैं मिल सकता हूं? मिल सकती हूं, पर ये जो महिला जो है तो माइंडेड टाइप का है यार, माइंड करेंगे वो, माइंड करेगा। और पुरुष लड़का जा रहा है मिलजुल के। हां हां आप कहां से? मैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के? हां वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम अरशद। अरशद हाँ। अच्छा यहाँ मैं नाश्ता कहाँ पे करूँ? अच्छा ये सामने जो बच्चियाँ आ रही हैं, ये भी वही ट्राइब की हैं? हाँ शाहिद आफरीदी, आफरीदी जनगोष्ठी का है, मतलब है आदिवासी, ट्राइबल एरिया के हैं। ओके रिलीजन बुद्धिस्ट रिलीजन, ये बुद्धिस्ट रिलीजन के हैं। ओके 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 क्रिश्चियन। ओके चलो ठीक है, मैं आगे जाके देखता हूँ। ठीक है थैंक यू, थैंक यू। दाएं साइड पे है होटल, हाँ हाँ ठीक है थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो यहाँ पे यही जो है ना, ये इंडिजिनस ट्राइब्स हैं वो यहाँ पे रहते हैं, यानी उधर आगे रहते हैं, अभी यहाँ पे शायद आए होंगे कुछ करने के लिए। लेट्स सी इफ यू कैन, इफ यू कैन टॉक टू समवन, क्योंकि अब ये जो सामने है अलैकुम भैया, क्या हाल है? नाश्ता मिलेगा? नाश्ता, नाश्ता है? है क्या है नाश्ते में? पराठा है, गोभी है, चमचा, सिंगरा, प्याजो, पराठा है, अंडा है, ऑमलेट। तो व्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा, ये एक पाकिस्तानी बंदा है जो कई दिनों से बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, वो व्लॉगिंग करते हैं बांग्लादेश के अंदर, वो मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं। जहाँ पे इस दफा ये बंदा गया है वहाँ पे इनको अथॉरिटी नहीं है, मतलब ये अंदर आगे नहीं जा सकते, एक्सेस नहीं दिया गया, क्योंकि भाई आप पाकिस्तान के अंदर भी हर मुल्क के अंदर ऐसी कुछ जगह होती है जहाँ पे आपको किसी आउटसाइडर को एक्सेस नहीं दिया जाता। देखिये ना, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर एक इलाका है जहाँ पे मलीर कैंट, बेसिकली एक आर्मी का इलाका है, तो वहाँ पे वो लोग ही अंदर जा सकते हैं जो लोग वहाँ
यहाँ के रहने वाले हो, अगर आउटसाइडर जाएगा तो या तो अंदर का कोई बंदा उनको लेके जाए, या तो वो अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड या शनाख्ती कार्ड जो उनका होता है वो अगर वो देगा तो तभी वो अंदर जा सकेगा, अपनी गाड़ी का नंबर पूरी डिटेल देगा तो वो जा सकेगा। तो इसी तरीके से बांग्लादेश आर्मी ने इनको मना किया, इनसे काफी सारी डिटेल लेगी और उनको बताया गया भाई, सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तानी हूँ और ये इसी तरीके से मैं अंदर जाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि अगर आपके पास गाइड है, मतलब कोई गाइड करने वाला है तो आप जा सकते हो, या अंदर का कोई रहने वाला बंदा हो तो ही आप जा सकते हो, वरना आपको इजाजत नहीं है ऐसे आउटसाइडर, मतलब आउटसाइडर मीन्स कि यार पाकिस्तानी है, बांग्लादेश के भी किसी दूसरे इलाके का नहीं है बट पाकिस्तानी है, तो उनको इजाजत नहीं दी गई और वो फिर नहीं गए। अच्छा, इस तरीके से इसके बाद हमने व्लॉग के अंदर आगे देखा, पहले तो इनको इजाजत नहीं दी गई और वो फिर वहां से रिटर्न होकर दूसरी जगह पे नाश्ता करने के लिए गए। वहां पे एक भाई मिले जो इनसे मिले, काफी अच्छे तरीके से बात की और उन्होंने बांग्लादेश के अंदर एक ट्राइब के बारे में बताया, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर कबाइली इलाकों के लोग है, तो पाकिस्तान के अंदर कबाइली इलाकों के लोग जो है वो मुसलमान है, बट बांग्लादेश के अंदर कबाइली इलाकों के अंदर बुद्धिज्म के लोगों की बताया कि भाई वो लोग थोड़ा बुरा मान जाएंगे और वो पूरा उन्होंने जैसे कि बुद्धिज्म का या हिंदुइज्म के अंदर कुछ स्टेचूज बनाते या कुछ वो अपने जो है वो अपने भगवानों की मूर्तियां बनाते, तो इस तरीके से उन्होंने पूछा कि कौन है, फिर वो नाश्ते के लिए पूछ रहे थे और जैसे कि उन्होंने नाश्ता वगैरह किया। तो बेसिकली पाकिस्तानी बंदा जो है वो विजिट कर रहा है बांग्लादेश को काफी टाइम से और बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको। मैं बेसिकली पाकिस्तान के अंदर एक दो जैसे ब्लॉगर्स है जिनको मैं समझता हूँ कि भाई बड़ी जबरदस्त ब्लॉगिंग करते हैं, एक ये भाई करते हैं और एक अबरार भाई करते हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जाते हैं। ये अरशद भाई थे जिन्होंने बांग्लादेश विजिट किया और हमारे लिए बड़ा अच्छा था क्योंकि बांग्लादेश कोई भी इस तरीके से विजिट नहीं कर पाया, पाकिस्तानी बंदा जो हमें पूरी डिटेल के साथ बताए कि भाई बांग्लादेश के अंदर क्या है, कैसे है और किस तरीके से बांग्लादेश आपने विजिट करना है।